प्रधानमंत्री मोदी ने अपने झूठ से विपक्ष को परेशान कर दिया है। हर दिन वो एक नया झूठ बोल रहे हैं और उसी के खंडन में विपक्ष की सारी ऊर्जा चली जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की एनर्जी बढ़ जाती है। वे एक झूठ बोलने के बाद दूसरे झूठ की तैयारी में लग जाते हैं। इस बार जो झूठ उन्होंने बोला है उससे ना ही विपक्ष बल्कि देश की भैंसें भी परेशान हो गई है, और इसी झूठ के साथ वे देश के सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। प्रधानमंत्री का भैंसों पर बोला गया झूठ सुनने के लिए वीडियो को जरूर पूरा देखें। हमारे देश में किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को भी बहुमत चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इनका पूरे गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है जो 272 से ज्यादा चुनाव लड़ती हो। आज प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में भाषण में कहा कि पूरे देश में इकलौती पार्टी जो 272 सीटों पर लड़ रही है वो है भारतीय जनता पार्टी, और कहा कि कांग्रेस तो 272 पे लड़ ही नहीं रही तो सरकार कैसे बनाएगी। प्रधानमंत्री जी, हमें ये तो मालूम था कि आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है, ये नहीं मालूम था कि आपने एंटायर मैथमेटिक्स में भी डिग्री ली है। जनाब, 326 सीटें कांग्रेस पार्टी घोषित कर चुकी है, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आप थक चुके हैं, आपकी टीम थक चुकी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? बल्कि कांग्रेस का इरादा संस्थाओं का, दफ्तरों का भी सर्वे कराने का है। यानी अगर किसी पिछड़े दलित परिवार में दो लोग नौकरी में है तो एक नौकरी छीन कर ये लोग उनको देंगे जिनका कांग्रेस के मुताबिक देश के संसाधनों पर पहला हक है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव भले है लेकिन उससे भी गंभीर मुद्दा है जिस पर सतर्क रहने की जरूरत है। हम किसी भी हालत में आपके हक को छीनने नहीं देंगे। अभी कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुझे अमेरिका आने का निमंत्रण दिया और उनके व्हाइट हाउस में बहुत बड़ा भोज समारंभ किया। मैं हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था जिसके लिए इतना बड़ा समारोह हुआ। कांग्रेस की सरकार बनसे तो तुम्हारे पास टैक्स रुपए ले ले से 55% टैक्स नाखसे, એટલે માનો કે તમારી પાસે 10 એકર નું ખેતર છે અને તમે છોકરાને સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા અને 5 એકર રહ્યા, આ કાયદો લાવવાના છે। તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો 1 ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, 1 તમારા છોકરાને આપવાની, કેમ તો અમારે 1 ભેંસ हमारी वोट बैंक में आप पाएंगे। फिर आपकी सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी, उनकी सरकार कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, 1 वापिस दो, सरकार को दे दो। बताइए, आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? मोदी दिन रात काम करता है आपका जीवन बदलने के लिए, आपका जीवन बदलने के लिए दिन रात एक कर देता हूं। और ये इंडिया गाड़ी वाले मोदी को बदलने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं, वो मुझे बदलना चाहते हैं। जिनके घोटाले मैंने रोके हैं वो मोदी पे गुस्सा करेंगे, ये बहुत स्वाभाविक।